मार्केट एंड इट्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मार्केट क्या होता है? वो जगह जहाँ पे गुड्स को सेल किया जाता है या फिर बाय किया जाता है ना? तो सेलर और बायर होते हैं, जहाँ पे गुड्स को बेचा जाता है वो जगह क्या कहलाती है? मार्केट। तो हम इस टॉपिक में क्या स्टडी करेंगे? मार्केट के फीचर्स, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मार्केट स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट और फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ मार्केट। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, मार्केट क्या होता है एक्चुअली में? जनरली मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स आर फिजिकली प्रेजेंट। फिजिकली मतलब समझते हो, खुद प्रेजेंट रहता है एंड फाइनलाइज द ट्रांजेक्शन। सेलर ने बेचा, बायर ने क्या किया? उसको खरीदा। तो ट्रांजेक्शन फाइनलाइज हुआ तो उसको बोलते हैं अपन मार्केट। फिर देखो प्रोफेसर स्टोनियर एंड प्रोफेसर हैग, ये डेफिनेशन है ना? क्या है डेफिनेशन? देखो, बाय अ मार्केट इकोनॉमिस्ट मीन एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ गुड्स आर कैप्ट इन क्लोज टच विथ ईच अदर। तो कोई भी मार्केट इकोनॉमिस्ट क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बायर और जो सेलर है किसके? गुड्स के, आर केप्ट इन क्लोज टच विथ ईच अदर। तो वहाँ पे एक दूसरे के क्लोज टच में रहते हैं वो लोग, मतलब मिलते हैं, बात करते हैं, गुड्स फाइनलाइज करते हैं। नेक्स्ट देखो, फीचर्स ऑफ मार्केट क्या क्या है? वन एरिया ऑब्वियस है, अपन एक एरिया को या एक रीजन, मतलब क्या बोलते हैं, क्षेत्र है ना, जिसपे बायर्स और सेलर्स बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड। सपोज ये एक मार्केट है जहाँ पे इतनी सारी ऐसी शॉप्स हैं, फिर यहाँ से एक गली गई, स्ट्रीट बनी, फिर यहाँ से एक शॉप है, यहाँ से लोग आ रहे हैं है ना, ये शॉपिंग कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हैं, तो स्कैटर्ड। देखो क्या है ये एक रास्ता है ना, इधर से भी एक रास्ता है, ऐसे जा रहे हैं लोग, तो क्या है? स्कैटर्ड है। दे आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, देखो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर यहाँ पे क्या है? ब्रोकर्स भी हैं, एजेंट्स भी हैं, लेटर्स हैं, एक्सेट्रा है सब। यहाँ पे कोई ब्रोकर्स है ना, कोई एजेंट्स हैं, कोई होलसेलर होगा, कोई रिटेलर होगा, तो ऐसा सब चलता है। फिर बायर एंड सेलर्स, बायर एंड सेलर्स आर मस्ट फॉर मार्केट इन ट्रांजेक्शन, फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी। तो जब मार्केट रखा है तो मार्केट के लिए हम ये अज्यूम करते हैं वहाँ बायर भी पर्सनली है और सेलर भी पर्सनली है ना? लेकिन जब ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं होती है। सपोज जैसे आजकल अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, देखो तो ये कॉन्सेप्ट ने, मेरे को ऐसे लगता है पर्सनली थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। क्यों चेंज होना चाहिए? देखो अब ऑनलाइन का है ना टाइम, तो क्या हम पर्सनली वहां प्रेजेंट होते हैं क्या ऑनलाइन शॉपिंग पे? बताओ, हम अपने फोन के थ्रू ऑनलाइन रहते हैं या अपने सिस्टम के थ्रू क्या रहते हैं अपन, उसमें लॉग इन रहते हैं। आ रही है ये बात समझ में? तो जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जब हम पे करते हैं, तो जब हम पे कर रहे हैं, ऊपर देखो, इन ट्रांजेक्शन फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी। फिर देखो, वन कमोडिटी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट देयर शुड बी एटलीस्ट वन कमोडिटी, जैसे कि व्हीट, वेजिटेबल्स एंड मार्केट इज टर्म्ड एज व्हीट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट्स एंड सो ऑन। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर नो मैम, यस है यहाँ तक? मैम, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब पता है क्या होता है? याद रखना है, एक चीज़ बता रही हूँ। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब समझो, बायर भी है, सेलर भी है। सेलर जिस रेट पे बेचना चाहता है, बायर उसी रेट में खरीद रहा है। सोचो, सेलर जिस प्राइस में बेचना चाहता है, बायर उसी में ही खरीद रहा है, और जो गुड्स मार्केट में बिक रहे हैं वो सेलर की नीड चॉइस के अकॉर्डिंग बिक रहे हैं। तो
तो बायर जो खरीदार है उसके लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, उसका टेस्ट, फैशन कोई काम का नहीं है, सब कुछ किसकी मर्जी चल रही है, सेलर की। सेलर जो लेके आया है बेचने के लिए, बायर वही ले रहा है बिना आनाकानी किए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो देखो परफेक्ट कंपटीशन की जो सिचुएशन है ये करीब जब इंडिपेंडेंस है ना 1947 टू 1950 है ना, ये तब एग्जिस्ट करती थी ये सिचुएशन, तब हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन अब परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज थी जैसे यूरोप, यूएस है ना, और कौन सी कंट्रीज थी, जापान, यूके, तो यूरोप में तो 28 कंट्रीज आती हैं। सोचो ये 30 देश, 28-29 देश, ये लोग बहुत आगे निकल चुके थे परफेक्ट कंपटीशन के आगे, और उन्होंने उसी टाइम पे बता दिया था कि ये सिचुएशन क्या है, मिथ। मिथ मतलब भ्रम, ऐसे कभी नहीं हो सकता, मार्केट में वही चीजें बिकेंगी जो एक कंज्यूमर को चाहिए, जो उस कंज्यूमर का टेस्ट है ना, उसके लाइक्स हैं, उसके जो डिसलाइक्स हैं वो। तो प्रोफेसर कॉर्नॉट क्या बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन के लिए, मार्केट मस्ट पोजेस द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन वेयर इन बायर्स एंड सेलर्स आर फ्री टू एंटर इनटू मार्केट। हाँ, एक चीज और होती है कि एंट्री और एग्जिट बहुत इजीली है, कोई किसी को ना आने के लिए रोक रहा है ना मना करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एंट्री और एग्जिट का मतलब वो वाली एंट्री एग्जिट से नहीं है, जैसे अपन मॉल वगैरह में जाते हैं तो एंट्री एग्जिट नहीं, यहाँ पे मतलब है उस फर्म से, उसकी पूरी इंडस्ट्री से, मतलब कोई भी चीज की इंडस्ट्री कभी भी चाहे मार्केट में आए, कोई भी चाहे मार्केट से जाए, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। होता है क्या ऐसा रियलिटी में, इतना इजी है क्या बिजनेस करना, नहीं तो सब मिलियनेयर और बिलियनेयर नहीं बन जाएंगे क्या मार्केट में, बताओ। देखो आज अगर अपन कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमको उसके लिए क्या चाहिए रहता है, मनी। मनी इजिली अवेलेबल है क्या अपने पास, नहीं, बैंक से मिलता है ना लोन के थ्रू, फिर हम उस पर क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, मतलब उस पर भी पैसे दे रहे हैं, तो बिजनेस करना इज नॉट इजी। तो ये परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, एक मिथ होता है, मिथ को बोलते हैं अपन भ्रम। नेक्स्ट देखो, वन प्राइस, एक ही प्राइस चलता है जितने भी शॉप्स है ना सब जगह, जैसे यहाँ पे सब शूज बेच रहे हैं, शूज शूज शूज, तो जहां पे भी जाओगे सब एक ही प्राइस है, इसने 100 रखा है तो ये भी 100, 100, 100, 100, देखो एक ही प्राइस। इन परफेक्ट कंपटीशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स द मार्केट एरिया शुड हैव वन प्राइस ओनली। ऐसा होता है क्या, सपोज इसने सामान दिल्ली से लिया हो, इसने जयपुर से, ये राजस्थान से ले रहा है, ये लोकल ही ले रहा है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रक का भाड़ा, रेल का भाड़ा, वो तो अलग अलग होता है ना, तो कॉस्ट तो अलग अलग डिसाइड हो सकती है, तो किसी भी एक की कॉस्ट एक कैसे हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन को, मिथ। नेक्स्ट देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ मार्केट। अब देखो उस पे क्या लिखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज एंड एक्सटेंट, मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जिस पे डिपेंड करता है क्या मार्केट, मार्केट की क्या साइज, की मार्केट कितना बड़ा है, बड़ा है, और एक्सटेंट कितना फैला हुआ है, वाइड, कितना वाइड है, मतलब तो क्या स्कोप है, क्या क्या एक्टिविटीज एफेक्ट करती हैं किसको, एक पर्टिकुलर मार्केट को। अब जैसे देखो, द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ मार्केट इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, फीचर्स ऑफ कमोडिटीज, तो ये फर्स्ट के अंदर है, फर्स्ट है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमोडिटी, इसके अंदर फर्स्ट है नेचर ऑफ डिमांड। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या डिमांड है उस, नेचर मतलब क्या प्रकृति है, मतलब उस गुड्स की ना। नेक्स्ट देखो, ड्यूरेबिलिटी क्या है,
ड्यूरेबल मतलब गुड्स कितने टाइम तक खराब नहीं होंगे, ड्यूरेबल। पोर्टेबिलिटी, पोर्ट होना इधर से उधर। कॉग्निजेबिलिटी, सैम्पलिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ गुड्स। सैम्पलिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ गुड्स, एडिक्वेट सप्लाई है कि नहीं। सब्स्टिट्यूट्स मतलब मार्केट में उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, सब्स्टिट्यूट्स मल्टी यूजेस हैं कि नहीं। तो ये जो फीचर्स हैं, तो क्या क्या फीचर्स हैं वो भी डिसाइड करता है। नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट देखो, एरिया के अकॉर्डिंग। लोकल मार्केट होता है, रीजनल मार्केट होता है, नेशनल मार्केट होता है और इंटरनेशनल। नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल। नेक्स्ट देखो, टाइम के अकॉर्डिंग कुछ गुड्स का टाइम लिमिट मार्केट में वेरी शॉर्ट होता है। जो गुड्स तुरंत ख़राब हो जाते हैं ना एक दो दिन में, तो उसके लिए वेरी शॉर्ट मार्केट। कुछ थोड़ा सा जल्दी चलता होगा, कुछ ज़्यादा चलता होगा और कुछ बहुत ज़्यादा, वेरी लॉन्ग। देखो जैसे अपन फिर कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग देखें तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट है। फंक्शन के अकॉर्डिंग तो मिक्सड मार्केट, स्पेशलाइज। जैसे अगर आप लोग मॉल वगैरह जाएंगे तो मिक्सड मार्केट है, स्पेशलाइज्ड है। अगर एक पर्टिकुलर किसी के शोरूम में जा रहे हैं तो वो स्पेशलाइज्ड हो गया। सैंपल भी होता है मार्केट्स में, वो लोग सैंपल भी बेचते हैं। ग्रेडिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कमोडिटी, प्रोडक्ट, स्टॉक, बिलियन। लीगैलिटी, लीगल मार्केट है कि इलीगल। यहाँ पे फिर से देखो, ये जो एरिया है, लोकल एरिया है ना, लोकल मार्केट जो अपना मार्केट है, लोकल, लोकली गुड्स मिलते हैं ना। यहाँ मंथली जो मार्केट लगती है, वीकली मार्केट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन लोकल। रीजनल मतलब जैसे एक दुर्ग की मार्केट हो गई, या एक प्रॉपर भिलाई की, या एक प्रॉपर रायपुर की, तो वो रीजन। लेकिन अगर मैं नेशनल मार्केट की बात करूँगी तो ऐसा गुड्स जो पूरे इंडिया में अवेलेबल है, उसका गुड्स पूरा वहाँ पे, इंटरनेशनल। किसी को डाउट है इसमें पूछो पहले। देखो यही सब स्टडी किया हमने अभी। लोकल मार्केट, जब बायर्स और सेलर्स आर लिमिटेड टू एन एरिया और रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया और रीजन तक सीमित है। कौन? बायर्स और सेलर्स। फिर बायर्स और सेलर्स, फिर वही एक सर्टेन रीजन तक। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा मार्केट होता है, किससे? लोकल से। मैंने बोला ना, लोकल समझो अपने मोहल्ले का, और अगर रीजनल करना है तो अपने रीजन मतलब उसमें दुर्ग का कर दो पूरा। आप कहाँ के हो तुम दोनों? कौन से सिटी पे बेस्ड हो तुम दोनों? अपर्णा, प्रशांत? मैम भिलाई। लेकिन जब आपको पूरे इंदौर में है ना, जैसे पूरे इंदौर की एक मार्केट हो गई, अगर आप वहां जाते हैं जहाँ पे सारे इंदौर के लोग आते हैं, तो रीजनल। तो मार्केट ऐसे वाइड होते जाता है। नेशनल मार्केट, When the demand of a commodity is limited to the boundary of the country, जैसे कि मार्केट ऑफ गांधी कैप, नेहरू कैप, इज लिमिटेड टू द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, मतलब वो मार्केट जो सिर्फ इंडिया में रहेगी ना, इंडिया की बाउंड्री तक। नेशनल मैंने बताया ना, इंडिया अपना नेशनल है। और इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो जाएगा? कमोडिटी क्रॉसेज द बाउंड्री ऑफ कंट्री, मतलब यहाँ से लेकर दूसरे तक, कमोडिटी crosses the boundary of the country. Next देखो, on the basis of time element, very short, short, long, जिस मैंने बताया था। supply of good limited है, ज़्यादा नहीं है, इंक supply बढ़ा नहीं सकते, तो very short. short में क्या होगा, production बढ़ा सकते हैं, लेकिन demand भी play करती है important role. लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, सप्लाई को एडजस्ट किया जाता है क्वांटिटी की डिमांड के अकॉर्डिंग, मतलब सप्लाई उतना ही करेंगे जितने का डिमांड है। सप्लाई प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्राइस डिटरमिनेशन और ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल प्राइस, प्राइस डिटरमिनेशन। नेक्स्ट देखो, वेरी लॉन्ग, बोथ डिमांड एंड सप्लाई कैन बी चेंज। डिमांड INC का मतलब यहाँ पे इंक्रीज है। डिमांड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेस्ट, हैबिट्स, पैशंस एक्सेट्रा। तो बेसिक बेसिक चीजें हैं। ये वाला बाद में स्टडी करेंगे।
क्योंकि इसी बेस पे आगे के तीन चैप्टर पढ़ने हैं हमको, परफेक्ट और इम्परफेक्ट के बेस पे, तो इनके तो पूरे दो दो चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो अपन इसको लास्ट में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आप देखो फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट कितने टाइप के हैं, मिक्स्ड मार्केट और जनरल मार्केट, वेयर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड, फाउंड इन सिटीज. मिक्स्ड मार्केट है ना, स्पेशलाइज क्या है, जैसे कि वेजिटेबल मार्केट अलग है, फूड ग्रेन मार्केट अलग है, तो इसको बोलते हैं स्पेशलाइज, जहाँ पे एक ही प्रोडक्ट से रिगार्डिंग बहुत सारे उसमें मिलते हैं. फिर मार्केटिंग अगर हम बाय सैंपल करते हैं तो when goods are brought and sold on the basis of samples, जैसे कि oil seeds, raw cotton, पहले sample दिखाया फिर उसके according order दिया जाता है. Marketing by grades, when the goods are graded then different buyers and sellers deal in such goods on the basis of their grades, मतलब किसका product अच्छा है किसका नहीं है, तो पहले grading की जाती है फिर उसके बाद goods को खरीदा जाता है. On the basis of nature of commodity, product market, stock market, bullion market. Product market में products को, जैसे कृषि मंडी example है, stock market में stocks और shares को. Product market में सब चीज़ें ना अपन जो खरीदते हैं, जैसे मैगी, oil, vegetables, pen, paper, pencils, सब कुछ, एक घर का सामान, या हम आस पास हमारे जैसे अपन bags लेते हैं, books, सब कुछ प्रोडक्ट मार्केट में आएगा. फिर स्टॉक मार्केट में तो स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज बॉट आर ब्रॉट एंड सोल्ड, किसमें, स्टॉक मार्केट में. फिर नेक्स्ट देखो, बुलियन मार्केट में जैसे सोना, क्या सराफा बाजार बोलते हैं जिसको, जहाँ पे सिल्वर और गोल्ड खरीदा और बेचा जाता है, मेटालिक ट्रेडिंग ना, बुलियन मार्केट सराफा बाजार बोलते हैं. देखो मार्केट्स बेस्ड ऑन लीगैलिटी, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लीगल, जो अपन लीगल काम करते हैं, रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट और फेयर मार्केट बोलते हैं. बट जो चीज़ इलीगल है, जहाँ पे प्राइस को ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उससे ज़्यादा, क्यों, ताकि हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें, या लोग ब्लैक मार्केटिंग में निकले हैं तो स्मगलिंग. हांगकॉन्ग मार्केट इज एन इलीगल मार्केट बोलते हैं, ये फ्रेज है, इस पर ज़्यादा सीरियस मत होना. देखो अब यहाँ से मेन है अपना मार्केट स्ट्रक्चर. ये जो मार्केट स्ट्रक्चर वाला टाइप्स था उसमें ना दो पॉइंट लिखे थे, एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट, तो उसमें एक ये वाला नहीं लिखा था, मोनोपोली. रुको फिर से दिखाती हूँ, ये वाला देखो, मार्केट बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, तो एक और होता है इसमें मोनोपोली, वो नहीं था. तो ये वाला इससे बोल रही थी कि अब आपको, हमको अब यहाँ से पूरे चैप्टर स्टडी करने हैं ना, एक एक के दो दो तीन तीन चैप्टर हम स्टडी करेंगे. तो देखो तो ये मोस्ट, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है पढ़ना. देखो मार्केट स्ट्रक्चर, हम कितने टाइप का मार्केट स्टडी करेंगे, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, मोनोपोली. देखो परफेक्ट, इम्परफेक्ट और मोनोपोली. देखो अगर परफेक्ट मैंने बताया है मिथ है, भ्रम, तो इम्परफेक्ट क्या हो जाएगा इसका. देखो परफेक्ट का अपोजिट क्या होता है, इम्परफेक्ट, तो ये मिथ था तो ये क्या हो जाएगा, रियलिटी. आ रहा है समझ में? यस मैम. है ना, तो yes. थोड़ा सा ध्यान से लॉजिक देना, अगर परफेक्ट भ्रम है तो इम्परफेक्ट क्या है, रियलिटी हो जाएगी ना, मिथ है तो. और मोनोपोली तो एक वो चीज है जहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर है, एक ही गुड्स का एक ही सेलर है. तो परफेक्ट फर्स्ट, सेकंड इम्परफेक्ट, थर्ड मोनोपोली. परफेक्ट के कोई टाइप्स नहीं है, मोनोपोली के भी कोई टाइप्स नहीं, लेकिन ये जो सेकंड है इम्परफेक्ट, इसके तीन टाइप्स हैं. देखो मोनोपोलिस्टिक,
मोनोपोली अलग होता है, मोनोपोलिस्टिक अलग होता है, ध्यान देना। ओलिगोपोली अलग है, डिओपोली अलग है। ओलिगोपोली मतलब किसी भी एक प्रोडक्ट्स के तीन से चार सेलर्स हैं, 3 to 4 सेलर्स और फ्यू सेलर्स। क्लियर हुआ? यस मैम। फिर डिओपोली, डिओपोली मतलब दो। तो मार्केट शेयर कितने सेलर्स का है? दो सेलर जो बेच रहे हैं उनकी बात करेंगे अपन, याद रखना। बायर की नहीं बात हो रही है, सेलर की बात। हम अब जो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे उसमें एक चीज याद रखनी है कि हम अब जो भी करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आ रहा है समझ में? Yes. अब देखो यहाँ पे पता नहीं क्यों इसमें ऐसे दिखाया है मोनोपोलिस्टिक। वैसे इम्परफेक्ट को ही मोनोपोलिस्टिक बोला जाता है, और इसके अंदर ये दो आते हैं, ओलिगोपोली और डिओपोली। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो अब अपना एक नया चार्ट बनेगा। अब आप उस चार्ट को समझो तो आपको समझ में आएगा। ये मार्केट है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक, और ये हो गया मोनोपोली। ठीक, मोनोपोलिस्टिक को ही क्या बोलेंगे अपन? इम्परफेक्ट। ठीक, अब इन दोनों के बीच का कुछ डिफरेंस बताती हूँ। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स करवाए थे, एक थ्योरी ऑफ कॉस्ट करवाई थी, फिर एक थ्योरी ऑफ रेवेन्यू करवाई थी, जो मैंने बोली थी उसको संभाल के रखना। तो हम अब उसी के बेस पे रिवीजन चल रहा है सपोज एक तरीके से। देखो तो मैं इनके बीच का आपको डिफरेंस बता रही हूँ। सपोज परफेक्ट में नंबर ऑफ फर्म्स लार्ज है ना, बहुत सारे इसमें फर्म्स तो बहुत है, मैनी फर्म्स, बट मार्केट छोटा है, बट लेसर देन परफेक्ट, इससे कम है, परफेक्ट से तो कम है। मोनोपोलिस्टिक में क्या आता है? ओलिगोपोली और डुओपोली, बताया मैंने अभी आपको। और मोनोपोली में क्या है? एक ही फर्म है, एक ही का रूल है, देयर इज अ सिंगल फर्म। अगर इसमें सेकेंड में देखूं तो इसमें नॉलेज जो रहता है ना, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। मैंने बताया ना ये भ्रम की सिचुएशन, ऐसे सब कुछ परफेक्ट है इसमें, इस मार्केट का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे गुड नॉलेज है और यहाँ पे भी गुड नॉलेज। नेक्स्ट अगर मैं इसमें देखूं, MR एंड AR, ये मैंने आपको कर्व बताई थी, तो मैंने बताया था इस वाले पे MR और AR इक्वल होते हैं और पैरेलल होता है X एक्सिस के। अगर आप लोग थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू देखेंगे ध्यान से, तो इसमें मैंने बताया था
AR हमेशा बड़ा होगा, और मैंने ये भी बताई थी कि बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग. इसमें बोथ MR एंड AR आर डाउनवर्ड स्लोपिंग. परफेक्ट है, परफेक्ट मोबिलिटी है, कोई कभी भी आ रहा है जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर के. ठीक है, यहाँ पे कोई परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है, नो परफेक्ट मोबिलिटी. आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल से और पैसे लेके आ रहे हैं. सेम यहाँ पे तो हो ही नहीं सकती मोबिलिटी, एक ही है, क्या क्या संभालेगा मोनोपोली में. तो ये थे इसके डिफरेंस. ठीक है, तो टाइप्स हैं अपने पास, परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली. अब अपन नेक्स्ट अपन इन सबको सिंगल सिंगल स्टडी करेंगे.